नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएस टैक्स फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा 2024 में किस प्रकार से भरेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो आपको अभी कभी वीडियो को लाइक कर देना है और गाइस जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ वैसे वैसे आपको फॉलो करते जाना है, सब कुछ आसानी से आप समझ जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है या आप कोई सा ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ वैसे वैसे आपको फॉलो करते जाना है। तो इसमें आपको क्रोम ब्राउज़र में गूगल एडसेंस से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फटाफट इसमें लॉगिन हो लेता हूँ, हालांकि मैं पहले से इसमें लॉगिन हूँ, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं मैं हो चुका हूँ इसमें। ठीक है, तो गाइस इसमें आपको उसी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है जिसमें आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है। ठीक है, तो गाइस उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके डॉलर शो हो जाएंगे, कितने लास्ट पेमेंट आई है और कितने अब तक आपने इसमें कर लिया है बैलेंस, यहाँ पर जैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा तो भाई बहुत ही धीरे चल रहा है। तो उसके बाद थ्री लाइन पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में पेमेंट्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में पेमेंट इन्फो का ऑप्शन दिख रहा है, पेमेंट्स इन्फो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर देख लीजिए यूट्यूब इंडिया आ चुका है लिखा, और यहाँ पर थोड़ी सी अभी यहाँ पर ये बफरिंग हो रही है जैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है सब कुछ कम्प्लीट आ चुका है जैसे देख सकते हैं, ये ऊपर आ चुका है। 30% कटेगा अगर हम इस फॉर्म को नहीं भरेंगे तो, यूरो टैक्स फॉर्म। ठीक है, तो इसको भरना जरूरी है। तो सबमिट न्यू फॉर्म का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो हमको क्या करना है, तो नीचे नीचे आपको एक मैनेज सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है नीचे नीचे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, वेट करने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होता है। तो उसके बाद में यहाँ पर हमारी जो पर्सनल डिटेल्स वो आ जाएगी, पेमेंट्स अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पेमेंट प्रोफाइल नेम सब कुछ, यहाँ पर एड्रेस शो हो जाएगा हमको। तो यहाँ पर एक नीचे नीचे यहाँ पर आपको यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो का ऑप्शन दिख रहा है, पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये काम आपको कर लेना है, अच्छी तरह देख लीजिए ये वाला है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में गाइस मेरा नया अमाउंट सब कुछ शो हो जाएगा। उसके बाद मैनेज टैक्स इन्फो का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। तो गाइस उसके बाद में यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, तो हमने लास्ट टाइम कब किया था, 17 मार्च 2021 को हमने इसमें यहाँ पर ये फॉर्म सबमिट किया था। तो अब जैसे 2024 चल रहा है तो ये दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए, ऊपर मेरा नाम भी आ रहा है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सबमिट न्यू फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, तो स्टार्ट न्यू फॉर्म पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है, करने के बाद में स्टार्ट फॉर्म क्लिक कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद हमका यहाँ पर कंटिन्यू कर देना, आपकी जो जीमेल आईडी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। कई बार कई गज क्या है कि आपका जो फिंगरप्रिंट या लॉक स्क्रीन जो भी कुछ लगा रखा है वो मांग लेता है, कई बार ये पासवर्ड भी मांग लेता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम तो मेरे से इसने यही मांगा था फिंगरप्रिंट। ठीक है, सेकेंड टाइम जब ट्राई कर रहा था तो ये पासवर्ड मांग रहा था, तो आप अपने देख लेना। ठीक है, जो भी मांगे आपको उसमें डाल देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, वेट करने के बाद में यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। तो गज ऊपर ऊपर देख लीजिए आप, यहाँ पर तो ये कुछ ये आ गया। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो, तो यहाँ पर इंडिविजुअल हमको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप वैसे वैसे करते जाना है, बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी इसमें आपको ना समझ में आए ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ऊपर नाम भी आ रहा है मेरा जैसे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ गाइस, पहले भी मैंने किया था तो बिल्कुल आसानी से बताया था उसमें भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर मैं सब कुछ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद में अगर आप वहाँ रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो भाई हम तो यूनाइटेड स्टेट में नहीं रहते, तो उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर गए क्या है, हमको ये सेलेक्ट WA टैक्स फॉर्म टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाला हमको सेलेक्ट करना है, W8BN कुछ इस प्रकार से है, इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए स्टार W8BN फॉरम, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर टैक्स आइडेंटिटी आपका नाम आ जाएगा और नीचे एक 14 का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको डाल देना है, डालने के बाद में नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। USIDN ये तो हमारे पास है नहीं कुछ। ठीक है, तो वो ही आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जो अगली स्टेप आएगी उसमें आपका एड्रेस डलेगा सब कुछ, जैसा पहले आपने डाला था वैसा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट इसमें डाल लेता हूँ पैन कार्ड नंबर 4N18 है ना, ठीक है, TIN जो इसमें, और फिर आगे नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ मैं। और गाइस ये इसमें आपको कंट्री सेलेक्ट और करनी है, तो यहाँ पर मैं फटाफट इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो इसमें कंट्री एक अपनी इंडिया है, जैसे कि हम इंडिया से हैं तो भाई इंडिया ही सिलेक्ट करेंगे इसमें हम, तो हमने कर लिया है ठीक है। उसके बाद पैन कार्ड नंबर डालना है TIN नंबर में और बस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट डाल लेता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ मैं। तो भाई उसके बाद में जैसे देख सकते हैं एड्रेस का यहाँ पर दिख रहा है, तो ये इंडिया इसमें कंट्री सेलेक्ट है, इसमें आपको एड्रेस डाल देना है ठीक है, जो भी है कुछ सिटी पिन कोड स्टेट या आसानी से आप डाल सकते हैं। आपको ऊपर वाला कॉलम टिक करना है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो नीचे वाले मेलिंग एड्रेस वाले कॉलम टिक कर देना ठीक है, और आगे आपको बढ़ जाना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट इसमें कर लेता हूँ, सब कुछ भर लेता हूँ और आगे मिलता हूँ। तो भाई उसके बाद में जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से शो हो जाएगा, इसमें यस करना है ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको ये देख लीजिए आर्टिकल यहाँ पर 12 जिसमें सेलेक्ट करना है और इसमें 15% वाला सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में दूसरे कॉलम पर टिक करना नीचे। तो गाइस यहाँ पर मैं फटाफट इसमें कर लेता हूँ दूसरे कॉलम पर टिक। क्लिक करने के बाद में जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल एंड पैराग्राफ पर क्लिक कर दिया है, तो ये इसमें आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 इसमें सेलेक्ट करना है, इसमें 0% वाला सेलेक्ट कर लेना है ठीक है। उसके बाद में गाइस निचला एक ऑप्शन है, इसमें टिक लगा देना है और नीचे नीचे एक और दिख रहा है ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें, क्योंकि यही दिया गया है आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2 है ठीक है। सेकंड इस प्रकार से दिखा रहा है, तो विद होल्डिंग रेट यहाँ पर इसमें ये देखते हैं इसमें क्या है, तो इसमें हम ये 15% इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। और नीचे एक कॉलम और बच रहा है, इसमें भी हमको टिक करना है ठीक है। यहाँ पर मेरा नेम भी आ रहा है, आप अच्छी तरह देख लीजिए, आपको सब कुछ भर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है। तो इस कॉलम में यहाँ पर टिक लगा देना है नीचे नीचे है जो, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फटाफट कर लेता हूँ नेक्स्ट पर क्लिक ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं गाइस यहाँ पर मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, तो आगे आप देख लीजिए, तो गाइस एक ऊपरी पर कॉलम है अदर कॉपीराइट रॉयल्टी, इस पर अनटिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद हम गाइस यहाँ पर एक्टिविटीज एंड सर्विसेज यहाँ पर जैसे दे सकते हैं परफॉर्मड इन US, इस प्रकार से यहाँ पर नो करना है, इसमें ये इसमें टिक लगाना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद हम यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यहाँ पर हमको एक इसमें सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर गो पेपरलेस वाले पर हमको क्लिक करना है ठीक है। तो यही सबसे बढ़िया है, यहाँ पर इन्होंने रिकमेंड भी किया है, तो यही रहने देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इसमें टिक लगाना होता है, कॉलम है जो यहाँ पर आइकन पर ठीक है, इस वाले कॉलम यहाँ पर टिक लगाना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद हमको जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ, तो उसके बाद हमको यहाँ पर हम एक और टिक आ गए, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नीचे और टिक है, इनको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक और आ गया है नीचे, तो इसमें हमको टिक लगाना ही पड़ेगा कॉलम में। तो यहाँ पर ईयर देख लीजिए, तो गाइस यहाँ पर मैं इसको 2024 कर लेता हूँ, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है, तो मैं अब इसको सबमिट कर रहा हूँ जैसा कि, तो यहाँ पर मैं 2024 कर ली इसमें ठीक है। करने के बाद में गाइस यहाँ पर आप देख लीजिए, तो नीचे नीचे यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक यस का एक नो का, तो इसमें हमको क्या सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, तो नीचे नीचे तो मेरा गाइस यहाँ पर फुल नेम आ रहा है ठीक है, यहाँ पर तो यस पर क्लिक करना है और नीचे नेम आ रहा है, आप अच्छी तरह देख लीजिए सारी सब कुछ मैंने यहाँ पर क्लियर बता रखा है। उसके बाद हम सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हम गाइस यहाँ पर आप देख लीजिए, तो 20 अक्टूबर 2024 को मैंने यहाँ पर ये फॉर्म सबमिट कर दिया है, अभी एक्सपायर होगा 31 दिसंबर 2027 को ठीक है। तो इस प्रकार से गाइस ये है, आप अच्छी तरह देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको क्लियरली बता दिया है। तो गाइस ये जो टैक्स फॉर्म होता है इसको ये 3 साल के बाद दोबारा से भरना ही पड़ता है यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एड्रेस वड्रेस सब हो रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है या भर चुका है ये ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को क्लिक कर देना एक लाइक और चैनल करना है सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।